कई साल पहले की बात है। इटली के रोम शहर के लोग सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे। कोई रूलर नहीं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी और ना ही कोई करेंसी सिस्टम थी। सब कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट था। लोगों को सेल्फ फार्मिंग करने आता था। वे अपना भोजन खुद उगाते थे और खाते थे। पढ़ाइयाँ, दवाइयाँ और इलाज ये सब फ्री में शेयर की जाती थी और आभार प्रकट करने के लिए कुछ दे दिया जाता था, यानी कि बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इस जगह पे कुछ बूढ़े लोगों की नज़र पड़ गई। धीरे धीरे ज़मीनों को, पानी को, सब कुछ को कंट्रोल में लिया जाने लगा। कई सारे लोगों को तो गुलाम बना लिया गया, उनसे ऑफिशियल काम करवाने लगा गया। उस वक्त एक सेनेटर ने ये उपाय लगाया कि जो जो गुलाम है उसके हाथ में एक बैंड पहना दिया जाए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि रोम की गलियों में कौन आज़ाद है और कौन गुलाम। फिर दूसरे सेनेटर ने रिप्लाई में कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम लोगों को आपस में जना देना चाहते हो कि कौन गुलाम है और कौन आज़ाद? ये पल एक सबसे बड़ा समय था, क्योंकि इस वक्त से पूरी दुनिया बदलने वाली थी। इस वक्त एक न्यू स्लेवरी सिस्टम की खोज हुई। गुलामी का एक ऐसा प्रणाली बनाया गया जिसमें गुलामों को ये लगे कि वे आज़ाद हैं, ताकि वह कभी विद्रोह ही ना कर पाए। इस न्यू स्लेवरी सिस्टम में गुलामों को उलझाए रखने के आइडियाज भी लगाए गए। पहले तो उनसे ऑफिशियल काम कराए जाते थे, और जैसे गुलामों को टाइम पे भोजन दिया जाता है ना, वैसे ही भोजन दिया जाता था। लेकिन अब फ्री में सर्कस और म्यूजिक सुनने की भी व्यवस्था कर दी गई। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ की प्राइस सेट होने लगी। लोग अपना पेट भरने के लिए अब सिर्फ ऑफिशियल काम ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों ने दूसरे कामों को भी ढूंढ लिया था। सर्कस दिखाया करते थे, कुछ कुछ सामान बेचा करते थे। रोम में जब इतनी सारी चेंजेस हो रही थी, तब ये न्यू सिलेवरी सिस्टम पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही थी। फिर एक ऐसा वक्त आया जब ये न्यू सिलेवरी सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गई, और तब से लेकर अब तक वही सिस्टम चल रहा है। वैसे सच्चाई आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी आत्मा जानती है। आपका वास्तविक रूप एक आत्मा है, जो कि एक होस्ट में एंटर करके इस धरती पर आया हुआ है। और ये दुनिया ऐसी है जो आपको अपनी आत्मा से ही दूर करती है। इतना दूर कि आप ये मानने लगते हो कि आप एक बॉडी हो। हम सब अपने आप को बॉडी समझने लगते हैं, फिर भी हम सब के अंदर से कभी कभी ये आवाज़ आती है कि इस दुनिया के साथ कुछ तो गलत है। बस कभी कभी ऐसा ख्याल आता है और हम करेक्शन देने लगते हैं कि यह सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? मायाजाल। मायाजाल हर एक जगह पे है। एविडेंस को देखकर अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप एक साथ तीन तरह के मायाजाल में जी रहे हो। पहली मायाजाल मटेरियल वर्ल्ड है। आप जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया इनर्जिकल है। सब कुछ इनर्जिकल लेवल पे काम करता है। जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तो बस इनर्जी और लाइट का इल्यूजन है। दूसरी मायाजाल के बारे में सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके भी सबूत मौजूद है। हमारा चांद, धरती, ये सब बनावटी है। इन सब के कई सारे सबूत मिलते हैं। हमारा चांद खोखला है, धरती अंदर से खोखली है, जिसे हम पताल लोक कहते हैं। इन सब के हमें कई सारे सबूत मिलते हैं। तो हो सकता है कोई एडवांस एक्स्ट्रा टेस्टियल लाइफ हमें इस दूसरी मायाजाल में रख रही हो और इसे संचालित कर रही हो। तीसरी तरह की जो मायाजाल है वो धरती पर ही है, जो कि कुछ लोगों के द्वारा और कुछ अलग तरह की स्पीसीज के द्वारा बनाई गई है, जो कि सभी लोगों को फेक वर्ल्ड में रख रही है, उनको सच्चाई से बहुत दूर रख रही है। इस वीडियो सीरीज में हम इसी तीसरी तरह की मायाजाल के बारे में बात करेंगे। ये तीसरी मायाजाल एग्जिस्ट करती है या नहीं, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया के कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं। सभी देश इन्हीं लॉज पे चलती है, और इन सभी लॉज का सेंटर अमेरिका में है। सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। तो जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, वे कहते थे कि वहां के प्रेसिडेंट वोट के हिसाब से नहीं बनते हैं, बल्कि चुने जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, पूरी दुनिया को मात्र कुछ ही लोग चला रहे हैं। धरती पे उन लोगों ने आपको मायाजाल में रखा हुआ है। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तब आप उस मायाजाल को नोटिस कर सकते हो। जब आप काम करने जाते हो तब आप उस मायाजाल को फील कर सकते हो। जब आप अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करोगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे सच्चाई को इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन से दबा दिया गया है। आजकल के लोग तो इन्हीं इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन को सच्चाई मानकर जी रहे हैं। कमाना, खाना, अपने आप को इंटरटेन करना और फिर सो जाना, सिर्फ इन्हीं सब कामों को अपना जिंदगी समझकर जी रहे हैं। असल में किसी को पता ही नहीं है कि उनको उलझाए रखने का और वास्तविकता से दूर रखने का ये सब एक जाल है। दूसरी शब्दों में बोलूं तो गुलामों को उलझाए रखने का ये सब एक तरीका है।
सबसे पहली बात, जिस भोजन को पाने के लिए आप कमा रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो और किसी दूसरे पर भरोसा करके अपना जो भोजन ले रहे हो वो सब भोजन नहीं है बल्कि कुछ और है जो आप खा रहे हो। आजकल मार्केट में मौजूद जितनी भी तरह के भोजन है उनमें से लगभग 95% भोजन 100 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आजकल के मैक्सिमम फूड्स टॉक्सिक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उनको बनाकर उनमें मौजूद लगभग सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद कर दिया जाता है और फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्रेग्रेंस, ऐसे ऐसे केमिकल डालकर उनको स्वाद दे दिया जाता है। ऐसे भोजन सिर्फ स्वाद देते हैं, इनमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसे खाते हो तो ये आपके बायोलॉजी को खत्म करने लगता है। कुछ पैक्ड फूड्स तो ऐसे मिलते हैं जिनमें क्या क्या मिलाया हुआ रहता है ये भी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है। हाँ, कोई कोई बताते भी हैं कि उनमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, लेकिन वे भी सभी इंग्रेडिएंट्स नहीं बताते हैं। जैसे कि आप ये देखो, अब आप खुद ही सोचिए, दूसरे पे भरोसा करके अपना भोजन लेना क्या ठीक है? आजकल के भोजन जो आप तक डिलीवर किए जाते हैं वो सब केमिकली तैयार किया गया ऐसा भोजन है जो आपके लिए जहर की तरह काम करता है। चलिए सबसे पहले मैं आपके घर के नमक और चीनी से ही शुरू करता हूँ। वैसे आयोडाइज साल्ट सेफ है या नहीं ये कंट्रोवर्सियल हो चुका है, और हो भी क्या सकता है, जब एक बुराई का साथ देने वाला और एक अच्छाई का साथ देने वाला होगा तब ऐसी कंट्रोवर्सीज तो बनती ही रहेगी। सोच समझ कर सही और गलत की चुनाव तो आपको ही करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे पे भरोसा करके। खैर, नमक की कंट्रोवर्सीज के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जो आयोडाइज साल्ट होता है जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, इसको तैयार करने के लिए सी साल्ट को लगभग 650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर इसका ब्लीचिंग करके इसमें सिंथेटिक आयोडीन डाल दिया जाता है। हालांकि नमक में नेचुरल आयोडीन होता है, लेकिन नेचुरल के बदले सिंथेटिक आयोडीन डाल दिया जाता है, और क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के थ्रू तैयार किया जाता है तो इसमें से लगभग सारे नेचुरल और ज़रूरी मिनरल्स बर्बाद हो जाते हैं, और क्योंकि इसमें सिंथेटिक आयोडीन डाल दिया जाता है तो इसलिए ये पूरी तरह से एक सिंथेटिक नमक बन जाता है, और आपको क्या कहकर बेचा जाता है, नेचुरल। ये भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो ये शुगर जब हम खाते हैं तो ये हमारे BDNF को कम कर देता है, जिसकी वजह से याद करने की और सीखने की क्षमता में बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। ये हमारे सबसे मेन ऑर्गेन यानी कि हार्ट, ब्रेन और लीवर को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बदले आप गुड़ खा सकते हो, रिफाइंड शुगर तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपके लिए वे लोग जो नमक और चीनी तैयार करते हैं वह तक सेफ नहीं है, तो आप बाकी के चीज़ों पे कैसे विश्वास कर लेते हो? ये मत भूलिए कि अभी आप उन्हीं लोगों के राज में जी रहे हो जिन्होंने कभी सिगरेट को सेफ डिक्लेयर किया था। ये लगभग 1940s के आसपास हुआ था। आजकल के ऑलमोस्ट सभी भोजन केमिकल्स के टच में आते हैं या फिर केमिकली बने होते हैं, और वो भी इतने डेडली केमिकल्स जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं दी जाती है, स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जाती है और ना ही आपको वार्न किया जाता है। उन सभी केमिकल्स के बारे में मैं एक एक करके यहाँ पे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि ऐसे भोजन हाईली प्रोसेस फूड्स होते हैं, मतलब कि इसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह होता नहीं है। इसके बदले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल्स का खजाना होता है। और ये बात आप भी जानते हो कि नेचुरल के बदले आर्टिफिशियल कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है। ये सब और भी ज़्यादा खराब होता है, जो कि हमारे ब्रेन को, बाकी के ऑर्गेन्स को, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को बर्बाद करता है। ये सब केमिकल्स हमारे बायोलॉजी को ख़त्म करने लगता है, और बायोलॉजी का ख़त्म होने का मतलब आप जानते हो ना, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा, आप खुद ही नोटिस कर लेना। वैसे वे लोग आपके अंदर भोजन के थ्रू इतने सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स, मेटल्स क्यों भर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। डिटेल में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। आजकल सिर्फ आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर फूड ही हार्मफुल नहीं है, बल्कि लगभग सारे नेचुरल फूड्स को भी मॉडिफाई कर दिया गया है। मार्केट में ज़्यादातर फल और सब्जियाँ ऐसी मिलती है जिसे केमिकल्स के मदद से उगाया गया रहता है, जैसे कि अट्रजाइन, ये एक तरह का हर्बिसाइड्स होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के प्रोफेसर और साइंटिस्ट डेरन हैस ने जब इस पे स्टडी किया था तब उन्होंने ये पाया कि ये मेल फ्रॉग के सेक्सुअल ऑर्गन को केमिकली डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे फीमेल में बदल देता है। ऐसा तब होता है जब एंडोक्राइन सिस्टम के साथ खिलवाड़ होता है, और ऐसा ही एट्रजाइन करता है। फिर एक बार जब चूहों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये पता चला कि ये मेल रैट्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही बंद कर देता है। ग्लाइफोसेट नाम का एक हर्बिसाइड होता है,
यह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बर्बाद करता है, मींस पिनियल ग्लैंड को बर्बाद कर सकता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को बर्बाद कर सकता है और बाकी के किसी भी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह हमारे डीएनए को भी बर्बाद करता है, आँखों में खुजली और किडनी को भी ख़त्म कर देता है और प्रेगनेंसी में भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फिटस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। हालांकि दावा किया जाता है कि यह इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3-4 राज्यों में अनाउंस हुआ था कि यह बैन हो जाएगा, लेकिन नहीं किया गया और रेस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज किया जाने लगा। दरअसल कई सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं जो बाकी के कुछ फॉरेन कंट्रीज में तो बैन है, लेकिन इंडिया में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी भी तरह के आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स होता है, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होता है, ये सब सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि जानवरों और इवन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सब मिट्टी को भी बंजर बना देता है। वैसे आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज के बारे में सुना होगा, जीएम प्लांट्स, जीएम काउज और जीएम फूड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस के बारे में सुना है? इसके बारे में आपने चर्चा तो नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आजकल आप हर एक जगह पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस देख सकते हो। फल और सब्जियां, इनको केमिकल्स के मदद से तो उगाया ही जाता है, लेकिन साथ में इनके जीन्स को भी बदल दिया जाता है। मतलब कि फल और सब्जियों के नेचुरल जीन्स को हटाकर किसी जानवर या फिर कीड़े का जीन्स डाल दिया जाता है। ऐसे जो भोजन होते हैं जिनके जीन्स को बदला गया रहता है, उसे हम जीएम फूड्स कहते हैं। और कई सारी रिसर्च से यह प्रमाणित किया जा चुका है कि यह हमारे डीएनए को चेंज करता है। डीएनए को चेंज करने का मतलब होता है आपको पूरी तरह से बदल देना। आप अपने पूर्वजों से जो गुण लेते हो उसे आप खो सकते हो। आपका माइंडसेट, बिहेवियर, इवन फिजिकल लुक भी, ये सब कुछ बदल सकता है। वे लोग जीएम फूड्स के जरिए और कई सारी जीएम ड्रग्स के जरिए आपके डीएनए का एडिटिंग करके आपकी असली आइडेंटिटी को मिटा रहे हैं और ऐसा कई दशकों से चला आ रहा है। आप कैसे दिखोगे, आपका माइंडसेट कैसा होगा, ये सब वे लोग डिसाइड करके आपको वैसा बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वे लोग आपको बेहतर बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे, वरना वे लोग अपना जगह ही खो सकते हैं। आजकल आप हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस देख सकते हो। हाँ, आप कह सकते हो कि उन लोगों की माइंडसेट और बायोलॉजी आर्टिफिशियली बनाई गई है। आजकल के जो पैक्ड फूड्स मिलते हैं उनका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे कि कॉर्न, सोया, शुगर बीट और भी कई सारी क्रॉप्स जो उनके इंग्रेडिएंट्स में मेंशन किया हुआ रहता है, वो सब वैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं जो जीएम क्रॉप्स उगाते हैं या फिर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स यूज करते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था फेलियर टू यील्ड, जिसमें यह बताया गया था कि जीएमओ प्रोडक्शन बढ़ाता नहीं है बल्कि और घटा देता है। इनफैक्ट जब कुछ देशों में नॉन जीएमओ एग्रीकल्चर मेथड यूज किया गया तब प्रोडक्शन में 79% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जीएमओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, तो आखिर वह करता क्या है? आपको बर्बाद। जीएमओ आपके माइंडसेट और बायोलॉजी को तो एडिट करता ही है, लेकिन साथ में कई तरह की डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अगर एक चूहे के साथ ऐसा कर सकता है, तो जरा सोचिए वो आपके साथ क्या क्या कर रहा होगा। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें यह पता चला है कि यह हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, कैंसर और ट्यूमर्स जैसी बीमारियां पैदा करता है, पेट और इम्यून सिस्टम से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यह हमारे एजिंग को भी फास्ट कर देता है, यानी कि हम जल्दी जल्दी बूढ़े होते हैं। साथ ही यह हमारे अंदर इनफर्टिलिटी भी क्रिएट करता है। जीएम फूड्स भोजन के रूप में आपके लिए एक जहर है जो आपको बर्बाद करने का काम करता है। रशिया में जीएमओ पूरी तरह से बैन है, इसमें कुछ गड़बड़ थी इसलिए तो बैन है ना। अब सोचना आपको है कि आपका गवर्नमेंट आपके लिए कितना केयर करता है। हाँ, उन लोगों ने आपको बोला है, रिसर्च के नाम पे साइंस का यूज करके आपसे झूठ बोला है कि जीएमओ सेफ है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर जीएमओ सेफ है तो मोनसेंटो कंपनी, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जीएमओ सप्लाई करता है, इंडिया में भी करता है, अगर जीएमओ फूड सेफ है तो ये अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने हेडक्वार्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करता है? जीएमओ सेफ है तो उसे भी यूज करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करता है। अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स ही देता है। पेप्सी के सीईओ ने खुद कहा था कि वो अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करने देता है। स्टीव जॉब अपने बच्चों को आईपैड यूज नहीं करने देता है। बिलगेट्स अपने बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज रेस्ट्रिक्टेड मैनर में रखा हुआ है। मार्क जकरबर्ग अपने लैपटॉप के कैमरा और माइक्रोफोन पे टेप लगा कर रखता है। मैकडोनल्ड का सीईओ खुद कहता है कि वो अपने कंपनी का प्रोडक्ट कभी भी खुद यूज नहीं करता है। मतलब ये सब बड़े बड़े कंपनीज के लोग अपना प्रोडक्ट कभी भी खुद यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको यूज करने के लिए बोल रहे हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ कोई खेल खेला जा रहा है? वास्तव में बहुत कुछ चल रहा है। वे लोग एक सबसे बड़ा एजेंडा को सही साबित करने में लगे हुए हैं। आने वाले पार्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हो, उनका प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोअर स्टेट में रहोगे, जब आप अपनी शक्तियों से अनजान रहोगे। अगर वो आपको अच्छे भोजन देना शुरू कर दे, आपके हेल्थ को अच्छा बनाने पे फोकस करने लगे, तो ऐसे में आपका माइंड और बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मेंटली और फिजिकली कमजोर करने के लिए वे लोग सबसे पहले आपके हेल्थ पे निशाना बना रहे हैं। जैसा हमारा खाना होता है वो हमें वैसा ही बनाता है। मेरा मतलब यह है कि फूड की फ्रिक्वेंसीज होती है, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स होते हैं जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, ये सब, इनकी फ्रिक्वेंसी 0 से 5 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। ऑर्गेनिक फूड्स का फ्रिक्वेंसी 50 से 160 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। सुपर फूड्स जो होता है, यानी कि जिसमें हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, इनकी फ्रिक्वेंसी 160 से 210 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, मशरूम होता है, जिनका यूज इलाज के लिए भी किया जाता है, और जो शिलाजीत होता है, ये सब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले फूड्स होते हैं, जिनका फ्रिक्वेंसी 210 से 320 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। तो अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी वाले फूड्स खाओगे तो आपका बॉडी तो पावरफुल बनेगा ही, लेकिन साथ में आपका वाइब्रेशन भी हाई हो जाएगा। वाइब्रेशन हाई हो गया ना, तो समझिए आपको बहुत बड़ी शक्ति मिल गई, क्योंकि तब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आसानी से पा सकते हो। हायर वाइब्रेशनल फूड्स खाने से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन तो अच्छा बनता ही है, लेकिन माइंड और बॉडी इतना पावरफुल हो जाता है कि आप पूछो ही मत। आपको बड़े बड़े थॉट्स आने लगेंगे, यहाँ तक कि आपको कुछ साइकिक पावर्स भी मिल सकती है। फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आप महाराणा प्रताप के बारे में तो जानते ही होंगे। उनका तलवार, भाला और कवच, सिर्फ इन्हीं तीनों का वेट 360 किलो का था, और ये तीनों एक साथ कैरी करते थे। आजकल लोग बोलते हैं कि वे अपने हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं, लेकिन फिर भी गार्बेज खा रहे हैं, पॉइजन पी रहे हैं, कैंसर स्मोक कर रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, और सोचते हैं कि दवाइयाँ, हैंड सैनिटाइजर, टॉयलेट पेपर और मास्क जैसी चीज़ें उनको हेल्थ को अच्छा कर देगा। देखिए, आजकल की मेडिसिन हमारे हेल्थ को अच्छा नहीं करता है, ये तो बस सिम्टम्स को ठीक करता है, बीमारियों का जड़ से इलाज नहीं करता है। इसलिए तो आपको जिंदगी भर एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो कि अमेरिका के एक बायोलॉजिस्ट हैं, वह खुद बोलते हैं कि दवाइयाँ लेने से हम ठीक नहीं होते हैं, बल्कि उन दवाइयों पर जो हमारा विश्वास है कि उसे लेने से हम ठीक हो जाएंगे, वो विश्वास ही हमें ठीक करता है, ना कि टॉक्सिक्स दवाइयाँ। आजकल की मेडिसिन हमारे हेल्थ को ठीक नहीं करता है, ये तो दूसरे बीमारियों को भी जन्म देता है। हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, ये सब कुछ हमारे भोजन से डिसाइड होता है। अगर आपका हेल्थ खराब रहता है तो समझ लीजिए आप दवाइयों के जरिए या फिर भोजन के जरिए पॉइजन ले रहे हो। हेनरी किसिंगर, जो कि एक इंसाइडर था, उसने कहा था कि कंट्रोल ऑयल एंड यू कैन कंट्रोल नेशन, कंट्रोल फूड एंड यू कैन कंट्रोल पीपल। हेनरी की ये थॉट आजकल हर तरफ लागू होती है, आप इसे सच मत बनने दो। वैसे आपके हेल्थ पे सिर्फ भोजन के थ्रू ही हमला नहीं किया जा रहा है, बल्कि हर एक पॉसिबल वे में किया जा रहा है। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा और भी न जाने कितनी सारी चीज़ों के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको पिक्चर्स का 2 शेड दिखाऊंगा। आपको ये देखना है कि कौन सा शेड आपके आँखों और ब्रेन में स्ट्रेन पैदा करता है। गारंटी दे सकता हूँ, पहली वाली सेट आपके आँखों में और ब्रेन में स्ट्रेन पैदा की होगी। पहली सेट्स में ब्लू और व्हाइट लाइट्स की पिक्चर थी, जो कि CFL और LED बल्ब से निकल रही थी। ब्लू और व्हाइट लाइट हमारे लिए दिन में अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें दिन में सूरज से भी मिलता है, लेकिन रात में जब हमें ये दिन वाला लाइट मिलता है ना, यानी कि जो ब्लू और व्हाइट लाइट मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। हमारा माइंड और बॉडी नेचुरल वे में काम करना बंद कर देता है। रात में ब्लू व्हाइट कलर की लाइट हमारे रेटिना के सेल्स को मारता है,
जिसकी वजह से हमें वक्त के साथ कम दिखने लगता है। वैसे आजकल एज के साथ ऑलमोस्ट सभी को आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, पहले ऐसा नहीं था। ब्लू लाइट से हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है, फीमेल्स में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमें इंसोम्निया नाम का बीमारी भी हो जाता है, आई स्ट्रेन होता है, हेडेक होता है, ऐसी लाइट्स में अनकंफर्टेबल फील होता है, आपने फील किया ही होगा। उसे ब्लू व्हाइट लाइट्स तो आजकल हर जगह पे लगाए जा रहे हैं। आजकल तो गाड़ियों में भी वार्म लाइट्स को रिप्लेस करके ब्लू लाइट्स लगाए जा रहे हैं। स्ट्रीट्स लाइट्स को भी ब्लू व्हाइट कलर्स की लाइट में बदला जा रहा है। ऑलमोस्ट सभी घरों में ब्लू व्हाइट लाइट्स यूज भी हो रहे हैं। इवन टीवी से और मोबाइल के स्क्रीन से भी ब्लू व्हाइट लाइट्स ही निकलती है। लेकिन इन सब से बचने का तरीका भी है। जब आप बाहर ब्लू व्हाइट लाइट्स वाली जगह पे जाते हो, तब आप ऐसे गॉगल्स का यूज कर सकते हो जो लाइट्स को येलोइश ऑरेंज कलर का बदल दे, और आप अपने घर के CFLs और LED बल्ब्स को रिप्लेस करके इंकैंडेसेंट बल्ब यूज कर सकते हो। ये वार्म लाइट से भी ज्यादा सेफ होता है। मोबाइल में आप आई प्रोटेक्शन मोड ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से स्क्रीन का कलर वार्म हो जाएगा। साथ में आप डार्क मोड भी ऑन कर सकते हो। और रही बात टीवी और कंप्यूटर्स की, तो इसमें स्क्रीन कलर चेंज करने की सेटिंग्स होती है। वैसे उन लोगों ने आपके कपड़ों को भी नहीं छोड़ा है। कौन से डिटर्जेंट यूज करते हो आप, सब में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऐड किया हुआ रहता है, और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मेनली आपके ब्रेन को ही डैमेज करता है। और भी कई सारी डेंजरस केमिकल्स होती हैं जो एनवायरनमेंट और आपके कपड़ों को तो नुकसान पहुंचाती ही है, लेकिन साथ में वे आपके कपड़े के साथ चिपक कर आपके स्किन पोर्स के थ्रू आपके अंदर चले जाते हैं और कई सारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। कैंसर, अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज करते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करता है। और ये टॉक्सिक केमिकल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम कर देता है। और भी कई सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, सब में ये कॉमन है। एयर फ्रेशनर्स जो मिलता है वो हवा को फिल्टर नहीं करता है, हवा से गंदगी असल में दूर होती ही नहीं है, बस फ्रेश एयर का इल्यूजन क्रिएट करता है। इन सब में न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स होता है जो आपके ब्रेन को डैमेज करता है। इन सब तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में एक बात कॉमन है, ये आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को बर्बाद करता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर ये दो सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सब कुछ हम इन्हीं दो सिस्टम के वजह से कर पाते हैं। पूरा ह्यूमन बॉडी इन्हीं दो सिस्टम के वजह से चलता है। हमारा माइंड, हार्ट, सब कुछ इन्हीं दो सिस्टम्स के वजह से चलता है। तो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से, पॉइजनस फूड्स की वजह से इन दो सिस्टम का धीरे धीरे बर्बाद होना, मतलब कि धीरे धीरे जॉम्बीज बनना। वैसे जॉम्बीज बनने का अलग अलग स्टेजेस होता है, और आज की डेट में लोगों का जॉम्बीज बनना कब का शुरू हो चुका है। सुनने में जोक लगेगा, इसलिए चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। CONOP 888 ये एक ऐसा प्लान है जो कि पेंटागन ने बनाई है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्लान जॉम्बीज महामारी से लड़ने के लिए बनाई गई है। जॉम्बीज महामारी में कैसे सरवाइव करना है, इसके लिए बनाई गई है। जॉम्बीज महामारी आने वाली है, वे लोग इसके बारे में इतना श्योर कैसे हैं? ये हमारी आधुनिक दुनिया, इसको ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि ये हमारे हेल्थ पे लगातार हमला करता रहे। हर पल हर तरफ से आपके हेल्थ को खराब किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक वे लोग आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कमजोर नहीं बना देंगे, तब तक वे लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वे लोग पूरी ह्यूमैनिटी का केमिकली और जेनेटिकली एडिटिंग करके एक न्यू तरह की ह्यूमैनिटी बनाने पर लगे हुए हैं, जिसके बाद हम इंसान रहेंगे ही नहीं। हमारे आसपास की टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, टॉक्सिक फूड सब की वजह से दिन पर दिन इंसानों की फर्टिलिटी गिरती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब हम रिप्रोड्यूस करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और जैसा कि आपने कहानियों में, मूवीज में देखा है, जिसमें इंसान पैदा नहीं होते हैं बल्कि उगाए जाते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। रिप्रोडक्शन हमारे लिए एक पास्ट की बात बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। जितना ज्यादा आपका हेल्थ अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी आपकी रियलिटी होगी, और उतनी ही आसानी से जैसा आप चाहते हो वैसी अपनी रियलिटी बना पाओगे।